राज्य में इस समय कांग्रेस की पार्टी आएगी इस बार भी, क्योंकि कांग्रेस जो जितना काम किया है उतना भाजपा ने कोई काम नहीं किया। यहाँ के लिए तो भूपेश बघेल ठीक है और दिल्ली में फिर बीजेपी मोदी सही है। ये अगर हम फिर सरकार में आते हैं तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, क्या ये उचित कदम है? गरीबों का जो है ग्रामीण इलाका में बघेल ध्यान दिया है, सरकार हम बदलने के पक्ष में। वोकल टीवी जनमुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वोकल टीवी की टीम अपनी चुनावी यात्रा पर है, इस दरमियान आज हम कोरबा में मौजूद हैं। कोरबा के लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ 5 साल में विकास हुआ है और क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी, कौन यहाँ से विधायक चुना जाएगा। फिलहाल हम अशोक वाटिका, कोरबा के अशोक वाटिका में मौजूद हैं। यहाँ उपस्थित स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रुद्र शेखर झा। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाला हूँ। 5 साल में विकास कैसा हुआ है? 50-50 विकास भी हुआ है और जो करना चाहिए वो भी नहीं हुआ है, दोनों चीजें। हाँ, दोनों कमी है। विकास क्या क्या हुआ है? विकास में जैसे मान लीजिए गरीबों का जो है ग्रामीण इलाका में बघेल ध्यान दिया है, शहरी इलाका में तो उतना नहीं है। प्रशासन आपके कोरबा के जो विधायक, कोरबा के विधायक काम किए हैं और जो सब काम तो एक बार में संभव नहीं है, कुछ किया है कुछ नहीं किया है, 50-50 इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया हूँ। कौन कौन से कमी है वो तो मुझे दिखा है रात से सुबह भी। हाँ, साफ सफाई की कमी है। गाड़ी वाड़ी नहीं घूमती है? पहले जैसे साफ सफाई नहीं हो रहा है, नहीं होती है, नहीं घूमती है, लेकिन पहले जैसे साफ सफाई नहीं होती। यहाँ से वहाँ तक देखिए, ये रोड को पूरा पहले लाइट जलती थी, स्ट्रीट लाइट। अच्छा। ये जो मेन रोड है ऐसे, इसमें लाइट नहीं जलती है, अब साफ सफाई नहीं होता है, डस्ट पूरा भरा रहता है, वो सब पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माइंस होने की वजह से यहाँ पर डस्ट भी काफी अधिक होती है। लेकिन बीजेपी के शासन में भी तो माइंस था कि नहीं था? अच्छा, बराबर यहाँ पर गाड़ी चलती थी, डस्ट गाड़ी जो खींच देते, वो सब कभी नहीं चला। लाइट देखेंगे जो इसमें नहीं है, एक भी लाइट नहीं है, जलता है। तो ये सब थोड़ा कमी है। क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए था जो अधूरा सा रह गया और जनता के मन में एक मलाल भी होगा कहीं ना कहीं? तो कुछ नहीं है, राखर है बहुत, अभी के डेट में राखर बहुत निकल रहा है। विकास तो जो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए गरीबों का जो आवास योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा था, उसमें भी ब्रेक लगा हुआ है, वो भी काम नहीं हुआ है सबका ने। दूसरी पट्टा जो अभी दिए है झोपर पट्टी सब में, तो किसी को दिए है किसी को नहीं दिए है, यहाँ पर दे दिए है वहाँ नहीं दिए है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है, नहीं करना है, बहाना बना रहे हैं अगले योजना में करेंगे। ये HECCL का है, HECCL का तो पूरा था वहाँ पर, उस तरफ दे दिए रोड की, इस तरफ नहीं दिए है, तो ऐसे ऐसे हुआ है। बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं जो कि क्रमबद्ध ठीक से कागजों में धरातल पर नहीं आ पाया है, एकदम नहीं आया है। बात करेंगे आप लोग मैम, यही की है ना? बात करेंगे। क्या नाम है? पिंकी अग्रवाल। गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है? नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा, अच्छा। क्या लग रहा है, 5 साल में विकास हुआ है? पूरा हुआ है सर यहाँ। अच्छा, जय सिंह अग्रवाल विकास की है जी। फिर लग रहा है इस बार विधायक चुने जाएंगे? जी, हमारे तरफ से तो है पूरा। अच्छा, कोशिश की। और क्या बेहतर होना चाहिए था? कुछ तो ऐसा होगा कि जो अधूरा सा रह गया? नहीं नहीं, अधूरा तो नहीं है, पूरा अच्छे किए काम। जय सिंह अंकल ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा लगता है आने से, हम आने लग गए, चालू करने लगे हम। अच्छा, 5 साल पहले नहीं यहाँ कोई आता था? नहीं आता था सर, पर इतना यानी उस टाइप का नहीं था माहौल। इतनी 5 सालों में ये बना है अशोक वाटिका मतलब? जी। शहर में डस्ट की तो बड़ी समस्या है। हाँ सर, बहुत ज्यादा। उसके लिए कुछ नहीं निजात करते? अब हम क्या, साफ सफाई भी नहीं है, सुबह सुबह मतलब हर जगह निगम की गाड़ियां दौड़ती हैं, झाड़ू लगते हैं, तो सब कुछ गायब है यहाँ। हाँ सर, उसके लिए तो बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए आप लोगों को, खुल के बोलना चाहिए। हाँ सर, बोलेंगे। हाँ, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार देवांगन है। क्या काम करते हो? मैं प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट काम करते हैं, यहीं के रहने वाले जी। जी,
क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार? हम देखिए जनता जनार्दन का मूड है, इसको तो कोई भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। और जो भी आए शहर के लिए अच्छा काम करे ऐसी आशा है। 5 साल में क्या लग रहा है, विकास विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, जैसे अभी अशोक वाटिका ही देख रहे हैं, पहले हम लोग जब आते थे तो कुछ नहीं था और अभी इतना अच्छा बना दिया गया है कि सारी सुविधाएं मौजूद हैं और लोग सुबह शाम यहाँ वॉकिंग करने घूमने टहलने आते हैं। इसके अलावा और क्या विकास हुआ है? देखिए विकास तो बहुत कुछ हुए हैं, रोड सड़कें अच्छी हैं, बन रही हैं और साफ सफाई भी ठीक है, क्योंकि हमारा कोरबा औद्योगिक शहर है और कोल माइन से इसलिए डस्ट तो रहता ही है, लेकिन सुबह प्रॉपरली यहाँ साफ सफाई किया जाता है। आज तो नहीं दिखा के अब निहार का एरिया चले जाइए, सुबह 4 बजे से घूम रहे हैं, शायद आपको ना दिखा हो लेकिन हमको तो दिखता है क्योंकि हम निहार का एरिया। नहीं है कि आज झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया? नहीं लगता है और पर डे लगता है। आप निहार का एरिया चले जाइए, रविशंकर जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को ही बता पाएंगे। प्रॉपरली सुबह झाड़ू साफ सफाई निगम की गाड़ियां भी लगती रहती है, घूमते रहती है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ से और प्रदेश दोनों में, किसकी सरकार बन रही है, यहाँ की विधायक का क्या? विधायक जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा क्या कुछ तो होगा कि जिस मुद्दे पर बेहतर ढंग से काम ना हुआ हो? और देखिए कोरबा छोटा सिटी है और सारी सुविधाएं लगभग मौजूद है, हमारे को तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं चूक रह गई हो, और थोड़ी सी अगर रह गई है तो उर्गा क्षेत्र और जो सड़कें हैं वो काफी डस्टफुल रहती हैं। उर्गा चांपा जो सड़क है अगर वो बन रही है और कुछ समय बाद बन जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिपेयरिंग हो जाता, अभी डस्ट बहुत ज्यादा रहती है तो अच्छा रहता। मतलब माना जाए कि जयसिंह अग्रवाल का जो काम काज है ठीक ठाक है? हाँ ठीक कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब जनता जनार्दन का मूड है, अब सारा चीज तो बैलेट चुनाव से डिसाइडेड होता है, अब जनता जिसको देगी वोट वो जीतेगी। जिधर लहर होती है जनता का रुख भी उधर ही रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार अग्रवाल है। क्या काम करते हैं? मैं व्यापार करता हूँ। अच्छा, 5 साल में विकास विकास हुआ है? हाँ विकास तो अब यहाँ घूम रहे हैं तो यही एक विकास है, अशोक वाटिका में जो है ये अभी जो सरकार है उसमें बना है ये विकास तो दिख रहा है। बाकी और कुछ इसके अलावा? अब मैं क्या है, पहले बाकी मोंगरा में रहता था, अभी मेरे को 6-7 महीने ही हुआ है आए, ज्यादा यहाँ के बारे में जो है प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन अब यहाँ रोज घूमने आता हूँ तो ये अभी अभी बना है। अच्छा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छा काम हुआ है। एक ठो श्री राम मंदिर भी यहाँ पास बना है, उसमें भी गया मैं अभी अभी। बाकी साफ सफाई यहाँ? बाकी साफ सफाई करते हैं, यानी कि बाकी तो अब गंदा होता रहता है, सफाई चलता रहता है। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार कड़ी टक्कर है देवांगन जी और अग्रवाल जी। हाँ अभी तो इन्हीं का दिख रहा है मंत्री जी का। अच्छा, और बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि चुनाव है, राजनीति है, कभी बदलती ही रहती है। लेकिन क्या और कुछ होना चाहिए था जो अधूरा सा रह गया? अब अपेक्षाएं तो बहुत सारी है, यानी कि अब क्या है, सारी चीज तो जो है हर किसी के हिसाब से संभव नहीं है, मतलब बाकी तो अपेक्षाएं तो ऐसी है कि मतलब कि बहुत कुछ होना चाहिए था। यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं का, अग्रसेन चौक कोरबा। अच्छा अच्छा, क्या 5 साल में कैसा रहा है कामकाज मंत्री जी का? बहुत अच्छा काम काल रहा है, मंत्री जी के बराबर का कोई भी अभी तक चुन के कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया कि जो कोरबा में इतना इतना विकास का काम कर सके। जितना मंत्री जी ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, और ऐसे मंत्री जी से आशा है कि आगे भी बहुत अच्छा से और भी काम करेंगे, क्योंकि वो काम के प्रति है ना समर्पित रहते हैं। और हम लोगों का और हमारे परिवार का और हमारे समाज का और जो भाजपा के भी मैं देखा आदमी है जो पुराने पुराने कट्टर जो भाजपाई हैं उनका भी समर्थन मंत्री जी के तरफ, उनके काम को देखकर रुझान है। रुझान है मतलब इस बार भी उनकी, इस बार उनकी काफी अच्छे वोटों से जीतेंगे। पहले जो वोट जीते थे, जितने जीते थे उससे डबल वोट्स जीतेंगे इस समय।
मैं ये नहीं बोलता कि उसके अपोजिट जो पार्टी है उनका बहुत कम वोट रहेगा, परंतु क्या है ना, उनसे डबल वोट, जितने वो वोट पाएंगे उनसे डबल वोट पाएंगे ये, मतलब जनता में अभी भी लोकप्रियता बनी हुई है। हाँ, लोकप्रियता बहुत बनी हुई है। भाई जय सिंह के बराबर का अभी तक कोई नेता नहीं बना है, और उम्मीद करते हैं हम लोग सब कोरबा की जनता लोग कि जैसा वो काम करते आए हैं उसी के प्रति वो लोग और काम को आगे बढ़ाएं, कोरबा में जो प्रदूषण की समस्या है उससे निजात दिलाएं। अच्छा, अभी इस पे काम नहीं हुआ है? प्रदूषण का जो काम है, जो जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हो पाया है। जिस पे मतलब नाकाम जो है ना, ये कमी है? नहीं, नाकाम नहीं हुए है, वो प्रयासरत है उस काम में। प्रयासरत मतलब कैसे है? चारों तरफ है जो इतने इतने कोल माइंस है, इतने इतने फैक्ट्री है, उनका जो प्रदूषण जो कोरबा में हो रहा है उसके लिए नया तकनीक की उनको उनके द्वारा खोज किया जाना चाहिए, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद में। अच्छा, राज्य में क्या लग रहा है? राज्य में इस समय कांग्रेस की पार्टी आएगी इस बार भी। हाँ, क्योंकि कांग्रेस जो जितना काम किया है उतना भाजपा ने कोई काम नहीं किया। क्या विकास का हुआ है? अब अभी उतना मालूम भी नहीं है, विकास का तो कोई खास कोई करता ही नहीं है। कहाँ किए हैं जैसे कुछ, जो जीत के जाते हैं तो देख तो रहे हैं कोरबा शहर को, जैसे गए हैं तो अच्छे से करना चाहिए ना, बढ़िया से, तो उतना तो खास लगता नहीं है सर। जाते हैं तो कोई अच्छे से करते, सब लोग, आम लोगों को भी कुछ मिलता, तो आम लोगों को तो कुछ मिलता नहीं, पॉलिटिशियन लोग को मिल जाता है, चाहे बीजेपी हो कि कांग्रेस, और गरीब जनता तो तकलीफ ही पाते रहती है। गरीबों के लिए भी कुछ करें तब ना, बघेल किए हैं, लेकिन यहाँ जय सिंह का तो कुछ दिखता ही नहीं। जब भूपेश बघेल किए? हाँ, वो किए हैं, उनका बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार जय सिंह की सीट बच पाएगी? पता नहीं, जनता का मत है, लेकिन बोल तो रहे हैं कि जय सिंह को नहीं देंगे, अब बाकी जनता का मत, मतलब परिवर्तन करेंगी जनता। हाँ, 15 साल हो गया है ना, 15 साल से है, तो आदमी चेंज तो कर ही देता है, बदलाव ये हो चुके हैं। वो तो बल्कि अच्छे हैं, सीएम है, मुख्यमंत्री बढ़िया है, वो अच्छा कार्य किए हैं, काम बढ़िया। हाँ, और दिल्ली में तो फिर मोदी के का है, वो भी अच्छा किए हैं, उनसे बहुत कुछ मिला है अभी। अच्छा, मोदी से क्या क्या मिला? अब जैसे हम ही लोगों का बहुत कुछ बना है भैया, सर मत भैया, राशन कार्ड बन गया है, उज्ज्वला गैस है, और यदि बीमा योजना है, स्वयं स्वनिधि योजना है, तो वहाँ पर तो मोदी ही जीतेंगे क्योंकि वो बढ़िया किए हैं। गैस का भी है, बहुत कुछ उनसे। यहाँ राज्य में क्या लग रहा है, भूपेश दोबारा आएंगे? अब आ भी सकते हैं, सब बोल रहे हैं कि वो अच्छा काम किए हैं यहाँ के लिए, तो भूपेश बघेल ठीक है, और दिल्ली में फिर बीजेपी मोदी सही है। क्या नाम है भैया? चरण सिंह चंद्रा। 5 साल में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है सर, आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं। नहीं, मतलब आप लोग रहते हैं, हम लोग कितने दिन आएंगे, कितने दिन देखेंगे? नहीं, आप विकास देख चुके हैं, कोरबा चांपा रोड को देख चुके हैं, कोरबा कुशमुंडा रोड को देख चुके हैं, दर्री जमनी पाली रोड को देख चुके हैं, कैसा विकास हुआ है, ये पब्लिक जानती है इसको, है ना। हाँ, क्या कुछ लग रहा है इस बार जय सिंह की सीट बच पाएगी? मुश्किल है, मुश्किल है। हम लोग पार्टी सरकार बदलना चाहते हैं, सरकार ही बदलना चाहते हैं। हाँ, हाँ, राज्य की पूरी सरकार, राज्य की पूरी सरकार है। मैं भी 2012 में मलेरिया वर्कर था, तो जिस समय भूपेश बघेल सरकार, जिस समय सरकार आई, उस समय हमको यह वादा किया गया था कि जैसी सत्ता पार्टी आती है तो हम आप लोगों का 6 महीने के अंदर में आप लोगों को जॉब में वापस रखवा देंगे करके आश्वासन दिया गया था, जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। तो हमें वादों को मतलब निभाए नहीं है, वादों को नहीं निभाए हैं। मैं 1 अप्रैल 2014 से बैठा हुआ हूँ, मैं भी मलेरिया वर्कर था MPW में। तो हम अभी तो, मतलब आप बेरोजगार है, कोई काम नहीं है? अभी बेरोजगार है, पूर्णतः बेरोजगार है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? नहीं, सरकार हम बदलने के पक्ष में है, सरकार बदलेंगे जी। क्या नाम है आपको? मेरा भूखदेव प्रसाद पटेल। क्या काम करते हैं? मैं रिटायर आदमी। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं। क्या कुछ स्थिति है इस समय आपकी कोरबा की? विकास उकास हुआ है? विकास तो हो रहा है सर, विकास तो हो रहा है, थोड़ा बहुत तो 50 वाला बात है, लेकिन विकास हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार जय सिंह की सीट बच पाएगी या फिर बदलाव होगा? अब तो लोग तो दो ही तो है,
मेरे ख्याल से लग रहा है लखनलाल देवांगन है और ये इन्हीं लोगों में टक्कर हाँ, हाँ, मुकाबला तो है टक्कर जैसे लखन देवांगन का है मतलब फाइट में है इस बार हाँ है क्या मतलब कई लोग चेंज करने के लिए मूड में क्या कुछ ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ की जो लोकल जनता है उसके मन में असंतोष है और वो कौन सा प्रमुख मुद्दा है जो वादा भी हुआ लेकिन नहीं हो पाया नहीं वो तो वादा कोई पूरा नहीं कर सकते बीस में बीस कोई नहीं कर सकते अच्छा वादा पूरा नहीं कर सकते अभी 100% थोड़ी कर देंगे कोई अगर 100 में 10-50 कर दी वो बहुत है बहुत हो गया तो पूरा तो कोई सरकार जैसे बीजेपी और कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें बहुत बड़े बड़े वादे हैं क्या लग रहा है पर आप तुम्हारे लिए रिटायर्ड है खबर वबर देखते होंगे उसके बारे में पढ़ा होगा सुना होगा क्या लग रहा है इस बार घोषणा पत्र है उनका घोषणा तो एक चेक कर रहे हैं सर देखो कितना निभा रहे हैं कितना दे रहे हैं आलम है ये प्रमुखता है ना हर पार्टी के लिए जरूरी है और नागरिक को क्या है मूलभूत सुविधाएं चाहिए और विकास चाहिए पैसा बढ़ाने पैसा देने से अब कोई घोषणा करने से बताइए आप रिटायर्ड हैं और ये आपसे सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ भूपेश सरकार का एक वादा है कि अगर हम फिर सरकार में आते हैं तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे क्या ये उचित कदम है कर्ज माफी कहाँ तक पिछले भी किए थे यही साल भी बोल रहे हैं माफ करेंगे करके अच्छा लग रहा है कि करेंगे लग तो रहा है कर देंगे अच्छा उससे क्या है कि जनता का इनके प्रति पुनः विश्वास बढ़ेगा रुझान इनकी तरफ मेरे ख्याल से साल नहीं बढ़ेगा नहीं आएगा इसमें छत्तीसगढ़ में खासकर क्या नाम भी आपका मैं पिंटू सिंह क्या काम करते हैं मैं बालको में कंपनी में काम करता हूँ कंपनी में 5 साल में क्या कुछ विकास विकास सब सामने है आप देख सकते हो आप भी चल रहे हो डस्ट की समस्या अधिक है डस्ट राखड़ कहीं कहीं रोड वोड बन रहा है तो उसमें समस्या है वहाँ तो धूल उड़ेगा ही ये भी रोड अभी देख ही रहे हैं अभी रिपेयरिंग हुआ है ये सब समस्या तो अब है इधर उधर क्या लग रहा है इस बार जय सिंह की सीट बच पाए नहीं कुछ बता सकता अच्छा इस पे नहीं कुछ नहीं प्रदेश में क्या लग रहा है इसमें भी उतना बड़ा लेवल में सोच अपन लोग का नहीं है भैया उतना अपन क्या क्या लग रहा है स्थिति वो हवा क्या कहती है जैसे कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको जनता चाहती कि वो वादे हो रहे हों या फिर वो मुद्दे जिन पे काम हुआ रहा हो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये वादे किए और जो मुद्दे थे उन पे काम हुए कि नहीं ये सब आपको जिससे वादे के किसान लोग बताएंगे गांव के लोग बताएंगे अपन लोग शहर में काम हुआ है शहर में काम हुआ है इससे पहले भी हुआ है बीजेपी का जो महापौर थे उसमें भी हुआ है अभी भी हुआ है चल ही रहा है अभी भी रोड रिपेयरिंग वगैरह का काम अभी पता नहीं कैसे चल रहा है चलना तो नहीं चाहिए लेकिन कहीं कहीं रिपेयरिंग हो रहा है वोकल टीवी की टीम अपनी चुनावी यात्रा के दरमियान आज कोरबा में मौजूद रही जिस दरमियान हमने यहाँ के लोगों से बातचीत किया और लोगों से ये जाना कि आखिर विकास का स्तर किस प्रकार रहा और आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में वो किसको वोट करेंगे जनता ने खुल के बातचीत किया और बताया कि उनकी क्या क्या प्रमुख समस्या है वोकल टीवी की टीम लगातार अपनी चुनावी यात्रा पे है और जो भी जमीनी हकीकत है हर संभव उसको दिखाने का प्रयास कर रही है हमारा आपको प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा फिलहाल के लिए बस इतना ही हमारे सहयोगी अभिषेक दास के साथ मैं आशीष शुक्ला वोकल टीवी छत्तीसगढ़।